Hello everyone, welcome to Academic Plus. This is part four of Electrochemistry of Class 12. If you haven't watched previous part, so do watch. Link in the description below. So let's start. In previous part, we have completed electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड एंड नर्स इक्वेशन नर्स इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बिफोर स्टार्ट वी शुड नो वॉट इज इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन सो हम देखते इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या है जैसे कि हमने एक बीकर लिया है बीकर में हमारे पास क्या है सोलवेंट है सोलवेंट में हमने क्या ले लिया लाइक like हमने एच टू ओ ले लिया ठीक है अगर कोई भी ऐसा मोलिक्यूल या कंपाउंड जैसे कि एग्जाम्पल ले हमने एन वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर आयंस में ब्रेक होता है एन पॉजिटिव एन सी एल नेगेटिव और उनकी कैपेसिटी होती है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी उन्हें हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन टू आयन जैसे आय ये एन ए सी एल है ये कि किस में ब्रेक हो जाता है एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव में इन दिस सॉल्यूशन एंड हैव अ कैपेसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ओके okay, अब बात आ गई है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस की तो एक इसमें टर्म क्या होती है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या विच रजिस्ट द करेंट ओके तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्लियर है तो इसका मतलब क्या है कि हमने बोला आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आर का मतलब है कि कोलिजन ठीक है जिसमें जितना ज़्यादा कोलिजन होगा मतलब उतना ज़्यादा वो रजिस्ट कर रहा है रजिस्टेंस है कैसे मान लो ये एक लेंथ है वायर की और एक लेंथ कम है वायर की ठीक है दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं टेन टेन इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं ठीक है यहाँ पे जब कोलिजन होगा और यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होगा क्योंकि लेंथ ज़्यादा है लेंथ ज़्यादा है तो ये आगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे मतलब फ्लो करेंगे एक ही डायरेक्शन में उतना ज़्यादा इनके बीच में कोलिजन होगा जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा दैट मीन्स उतना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा कोलिजन से क्या होगा रजिस्टिविटी बढ़ेगी रजिस्टिविटी से क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन है वो कम इलेक्ट्रॉन ही आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा पाएंगे टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है और जितना कम हमारे पास लेंथ होगी उतना कम कॉलिजन होगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कर पाएंगे ठीक है तो एज द लेंथ इंक्रीजेस रजिस्टेंस इंक्रीजेस क्लियर है नेक्स्ट इज एरिया द रजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इसका मतलब क्या है हमारे पास एक लेंथ इस एरिया की है और एक लेंथ एक एरिया वायर का इतना है क्लियर अब दोनों में हमने सेम टेन इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराए हैं तो अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कोलिजन कम होगा और यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कोलिजन दैट मीन्स उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस जितना कम कोलिजन उतना कम रेजिस्टेंस तो एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया एरिया ऑफ वायर क्लियर है तो हमने फॉर्मूला क्या बना दिया आर प्रोपोर्शनैलिटी अपॉन ए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने एक साइन लगाया जिससे हम बोलते हैं रो एल अपॉन ए इसमें रो क्या है रो हमारा इसमें रजिस्टिविटी है रजिस्टिविटी या फिर हम इसमें बोल सकते हैं स्पेसिफिक रजिस्टेंस ओके स्पेसिफिक रजिस्टेंस रजिस्टिविटी कुछ भी बोल सकते हो आप इसे अब अगर हमारे पास आए कि हमें रजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे हाउ कैन वी डिफाइन रजिस्टिविटी सो रजिस्टिविटी इज वैन लेंथ ऑफ द वायर अगर हमने बोला लेंथ ऑफ द वायर इज वन सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द वायर इज़ वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू वन हो जाएगी दैन रजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा रजिस्टिविटी के देन रजिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स रजिस्टिविटी क्लियर है तो यहाँ पर तो हमारा टॉपिक क्लियर होता है रजिस्टेंस का अब रजिस्टेंस का इन्वर्स क्या होता है कंडक्टेंस मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है दैन आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन जी जी क्या है इसमें कंडक्टेंस है ठीक है कैपिटल जी इज कंडक्टेंस नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला था आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए तो आर की जगह हम क्या लगा सकते हैं वन अपॉन जी इज इक्वल्स टू रो क्या हो जाएगा अब इस रेसिप्रोकल रो का रेसिप्रोकल होता है इसमें मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है इसमें या इन्वर्स होता है इसमें कपा दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्लियर है या फिर हम इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी तो कप्पा हो जाएगा पहले हम यहाँ पे सही से करते हैं यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन जी इज इक्वल्स टू वन अपॉन मीन्स रो क्या हो जाएगा वन अपॉन कप्पा क्योंकि रो किसका इनवर्स होगा वन अपॉन कप्पा का इन टू एलापॉन ए ठीक है तो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी अपॉन ए जी क्या है इसमें कंडक्टेंस एंड केज रजिस्ट वो सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्लियर है अगर हम दोनों की यूनिट की बात करते हैं कि हमें पता रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओमेगा तो रो की यूनिट क्या होगी यहाँ पे अगर रजिस्टिविटी ओमेगा है और ये हो जाएगा मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा मीटर तो ये हो जाएगा अगर हमारी जो स्पेसिफिक रजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा रो मीटर या रो सेंटीमीटर क्लियर है अब हमारे पास जो जी होता है कंडक्टेंस होता है ओमेगा इनवर्स जिसे हम ओमेगा इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं ठीक है या फिर हम इसको डिनोट कर डिनोट कर सकते हैं एस से क्लियर है तो यहाँ पे जी तो हमारा एस हो गया और एलापॉन ए कितना हो जाएगा वन अपॉन एम क्योंकि मीटर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर वन अपॉन मीटर हो जाएगा तो कप्पा की जो यूनिट आएगी वो आएगी हमारी साइमन मीटर इनवर्स क्लियर है जी क्या है हमारा साइमन और ये वन अपॉन मीटर क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स सो दिस इज द यूनिट ऑफ कप्पा दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्लियर नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सेल कॉन्स्टेंट सेल कॉन्सटेंट हमारा होता है एलापॉन ओके okay? तो कप्पा इक्वल होता है हमारा जी अपॉन ए और अपॉन ए क्या बोलते हैं हम इसको सेल कॉन्स्टेंट बोलते हैं तो ये हो जाएगा जी इन टू जी स्टार जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाय जी स्टार सो यहाँ पे हमने थ्री टर्म्स पढ़ी है रेजिस्टेंस कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज़ेस ऑन डाइल्यूशन मीन्स कंडक्टिविटी अब क्या हो रही है डाइल्यूशन से डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने एक बीकर लिया बीकर में हमारे पास वन लीटर सॉल्वेंट था या जो हमारा पूरा सॉल्यूशन बना वो वन लीटर था सॉल्यूशन में क्या था वाटर था और यहाँ पे हमारे पास एन था हमने मान लिया कि जो हमारे पास यहाँ पे हम इस तरह से ले लेते हैं एन पॉजिटिव सी एल नेगेटिव मीन्स हमारे पास हमने इसमें थ्री मोल्स ऑफ एन ए सी एल डाले थ्री मोल्स ऑफ एन ए सी एल का क्या मतलब है हमारे पास थ्री एन ए पॉजिटिव के आयंस है और थ्री सी एल नेगेटिव के आयंस है मीन्स हमारे पास टोटल आयंस कितने हैं हमारे पास टोटल आयन्स कितने हुए सिक्स आयन हुए पर वन लीटर क्लियर है पर लीटर हमारे पास सिक्स आयंस है अब हमने क्या करा डाइल्यूशन करा डाइल्यूशन का मतलब क्या है हमने इसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड किया लेट मैंने इसमें वन लीटर सॉल्वेंट और ऐड करा दिया मीन सॉल्यूशन अब कितना हो गया टू लीटर बट आयंस उतने ही है मैंने इसमें सोल्यूट नहीं इंक्रीज़ कराएं आयंस अभी भी सिक्स है तो अगर मैं पर लीटर के हिसाब से देखूँ तो आयंस कितने हो जाएंगे थ्री पर लीटर दैट मीन्स पहले सिक्स पर लीटर थे और अब थ्री पर लीटर है तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे फ्री आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी मतलब उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी तो यहाँ पे अगर हमने डायल्यूशन कराया तो टू लीटर में सिक्स थे मतलब पर लीटर थ्री हो गए मीन्स आयंस कम हो गए आयंस कम होने का मतलब है कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो जब हमारे पास वन लीटर था तब हमारी कंडक्टिविटी ज़्यादा थी और जब हमारे पास सोल्यूशन टू लीटर हुआ तो हमारी कंडक्टिविटी पर लीटर डिक्रीज हो गई तो इसी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डायल्यूशन बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीजेज अपॉन डायल्यूशन क्योंकि हमारी आयंस की कंसनट्रेशन जो है अगर हम पर लीटर के हिसाब से देखेंगे तो वो डिक्रीज हो रही है क्लियर है तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि डिक्रीज होती है कंडक्टिविटी ऑन डायल्यूशन नाउ तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू मेटल्स इज कॉल मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स जो कंडक्ट कंडक्टिविटी होती है मेटल्स के थ्रू लाइक एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव इनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उन्हें क्या बोलता metallic है मेटैलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्लियर है एंड इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल की बात क्यों करिए क्योंकि जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है टू लूज एंड इलेक्ट्रॉन उसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसलिए उसे क्या बोला है मेटेलिक कंडक्टेंस क्लियर है तो अब इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इन थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करती है फर्स्ट इज द नेचर ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल द सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम एंड द थर्ड वन इज टेम्परेचर तो हम इसको समझते हैं कैसे फर्स्ट हमारे पास नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल इसका क्या मतलब है लाइक like हमारे पास दो मेटल्स हैं हमने ले लिए सोडियम एंड पोटेशियम ठीक है दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं बट अगर हम देखेंगे कौन ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टिव कैसे क्योंकि पोटेशियम का साइज़ बड़ा होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर लेगा और जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर लेगा मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो जाएगा दैट मींस ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्लियर है और सोडियम के भी लूज़ होते हैं बट पोटेशियम के ज़्यादा जल्दी लूज हो जाएंगे क्लियर है तो जित इससे क्या होता है इसका नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल पता चलता है तो जितना ज़्यादा अच्छा नेचर या स्ट्रक्चर होगा मेटल का या फिर वो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करा लेगा उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी क्लियर है सेकंड पॉइंट है द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के मान लो मैंने दो एटम लिए है ए एंड बी ए के आउटर मोस्ट में हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड बी के आउटर मोस्ट में हमारे पास थ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एबिलिटी है टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की और इसकी एबिलिटी है थ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी ओके okay, तो बी जो है हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कंडक्टर या ज़्यादा कंडक्टिविटी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी क्लियर है थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सॉरी कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका मतलब क्या है लाइक like हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं ठीक है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा ठीक है इफ़ इन केस अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कराते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कराने से क्या होता है एटम में कुछ वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उनकी जब डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी तो वो डिस्टर्ब होने की वजह से किसी भी डायरेक्शन में उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो इनमें कोलिजन शुरू हो जाएगा जिस कोलिजन की वजह से क्या होगा रेजिस्टेंस जनरेट होगा और रेजिस्टेंस डेवलप होगा दैट मीन्स हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसलिए हमारी टेम्परेचर इंक्रीज कराने से हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना क्लियर है नाउ नेक्स्ट इज वेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिजॉल्व इन वाटर दे फर्निच देयर ओन आयन्स इन द सोल्यूशन हैंड्स इट्स कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस मीन्स अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो वाटर में क्या करते हैं अपने आयन में ब्रेक हो जाते हैं और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं मीन्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रेक होंगे उतना ज़्यादा वो कंडक्टिविटी करेंगे जैसे हमें पता है कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट हो जाते हैं ठीक है तो जितना ज़्यादा डिसोसिएट होंगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं तो उतनी कम कंडक्टिविटी होगी क्लियर द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलिटिक एंड आयनिक कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है आयनस की वजह से जो सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस ठीक है और प्रीवियस हमने लाइक अभी पढ़ा था पीछे उसमें क्या था कि मेटल्स की वजह से कंडक्ट होती इलेक्ट्रिसिटी उससे हमने क्या बोलता है मेटेलिक कंडक्टेंस या मेटेलिक कंडक्टिविटी क्लियर है उसमें क्या कर रहे थे मेटल्स हमारे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे थे यहाँ पे आयंस या फिर हमारा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो है आयन में ब्रेक होगा तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट फैक्टर है द नेचर ऑफ़ द इलेक्ट्रोलाइट एडिट कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो कैसा है नेचर मीन्स वो स्ट्रांग है या वीक है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर वो कम्पलीटली डिसोसिएट हो जाएगा जैसे कि हमने एक लिया एन ठीक है या फिर हमने लिया सी एस थ्री सी ओ एच सी एस थ्री सी ओ एच क्या है एक वीक एसिड है वीक एसिड है तो जब ये ब्रेक होगा सी एस थ्री सी नेगेटिव में और एच पॉजिटिव में तो अगर हम सी एच थ्री सी हंड्रेड परसेंट लेते हैं तो जो ब्रेकिंग होती है ना सिर्फ टू परसेंट होती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ना वो सिर्फ इस टू परसेंट की वजह से होगी आयंस की वजह से ठीक है बट अगर हम एन की बात करते हैं तो ये हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट हो जाते हैं मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट तो इनके वजह से कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी इसलिए नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडिट पर डिपेंड करता है हमारे कंडक्टिविटी सेकेंड इज द साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सोलवेशन सोलवेशन इज़ सॉल्यूबिलिटी कौन कितना ज्यादा सोल्यूबल है अगर मान लो जो भी हमने सॉल्यूट ऐड कराया है वो वाटर में या कहीं पे सॉल्यूबल नहीं है तो वो आयंस में, में अच्छे से ब्रेक नहीं होंगे और आयंस में अच्छे से ब्रेक नहीं होंगे तो उनकी कंडक्टिविटी भी नहीं होगी क्लियर है थर्ड वन इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या होती है विस्कोसिटी जैसे ये लेयर्स हो रही है मतलब जैसे कि हमारे पास हो गया हनी एंड वाटर हनी की फ्लूडिटी कम होती है मीन्स वो विस्कस ज्यादा है ठीक है मतलब थिक ठीक बोल सकते हैं हाँ ठीक है तो विस्कॉसिटी लाइक हमने मान लिया कि हमने पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया एक हमने ले लिया नॉन पोलर उसमें वो सॉल्युबल नहीं है ठीक है तो नॉन पोलर में इलेक्ट्रोलाइट्स या नेचर ऑफ द सॉल्वेंट हमने ले लिया नॉन पोलर या पोलर तो नॉन पोलर जो है उनको ब्रेक नहीं करेंगे किसको सॉल्वेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स को अच्छे से डिसोसिएट नहीं कराएंगे और डिसोसिएट नहीं कराएंगे वो फ्री आयंस में नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी बट अगर वहीं हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है वाटर और उसमें हमने एन ऐड करा है तो एन ए डिसोसिएट हो जाएगा बट एन नॉन पोलर में अच्छे से डिसोसिएट नहीं होगा दैट मीन्स वो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा बट इन पोलर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है नाउ द कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा कि हमने कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला है जितना ज़्यादा हमने इलेक्ट्रोलाइट डालोगे जैसे कि हमने माने हमने टू एन डाला एक सोल्यूशन में या फिर हमने थ्री एनए डाला तो थ्री एन मतलब सिक्स आयन्स ब्रेक हो रहे हैं टू एनए मतलब फोर आयंस मिल रहे हैं इन पर लीटर की बात हम कर रहे हैं सेम वाई तो यहाँ पे क्या होगा सिक्स पर लीटर वाले में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो कंसनट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है नाउ द फिफ्थ फिफ्थ फैक्टर इज टेम्परेचर प्रीवियस में हमने पढ़ा था प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कराने से कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हो रहे हैं एटम वाइब्रेट हो रहा है बट इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज़ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका मतलब क्या है उसमें हम एक मेटल की बात कर रहे थे ठीक है मेटल मतलब एक हमने सिर्फ एक सोडियम की बात करें इस एटम की बात करें इसमें हम पूरे एन की बात कर रहे हैं लेट तो अगर हम इस इलेक्ट्रो ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने वाटर में ऐड कराया और इसमें हमने वाट हीट जनरेट करी है या इसको में टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो ये उतने ज़्यादा जल्दी इनका बॉन्ड ब्रेक होगा ठीक है जितना ज़्यादा जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ज़्यादा जल्दी ये आयंस में कन्वर्ट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे जैसे कि हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड जो है सी एस थ्री सी ओ एच हमने बोला ये टू परसेंट ही डिसोसिएट होते हैं बट अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी डिसोसिएशन की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो सकती है क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा और बॉन्ड इजीली ब्रेक होंगे तो टू परसेंट के बजाय मान लो हमें मिल जाएंगे टेन परसेंट आयन जितना ज़्यादा आयन्स मिलेंगे उतनी ज्यादा उनकी कंडक्टिविटी होगी तो ये फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो आयनिक सोल्यूशन की वजह से है आयनिक सोल्यूशन मीन्स एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव ठीक है जो आयन्स में ब्रेक हो सकते हैं तो जितना ज्यादा हम

बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ़ आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीज अपन डायलूशन ये तो हमने पढ़ लिया है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है डायल्यूशन करने में अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही सिक्स मोल पर लीटर थ्री पर लीटर वाला ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है द कंडक्टिविटी ऑफ द आयन्स प्रोड्यूसड वैन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन वॉल्यूम लीटर ऑफ सोल्यूशन ठीक है पहले तो मोलर है तो वॉल्यूम लीटर में होगा ठीक है तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि जब हम किसी भी लीटर में या वॉल्यूम में जब हम वन मोल मतलब जो हमारी कंसेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो कांस्टेंट है वन मोल तो वन मोल हम जब पर वॉल्यूम में एड करते हैं तो कित वो जो आयन्स है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी है क्लियर है तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो दि, दि, मतलब डिनोट होती है लेमडा एम से दिस इज कैपिटल लेमडा ये स्मॉल एमडा होता है ये कैपिटल एमडा होता है ये एम नीचे है इसके इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सी इज द कंसेंट्रेशन दैट इज मोल अपॉन वॉल्यूम ठीक है तो कप्पा की हमारे पास यूनिट क्या होती है साइमन मीटर इन्वर्स कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल मीटर इन्वर्स कंसनट्रेशन जो मोलैरिटी है उसकी यूनिट क्या होती है मोल्स अपॉन लीटर और वन लीटर इज इक्वल्स टू होता है मीटर क्यूब तो इसका हम लिख सकते हैं मोल मीटर क्यूब क्लियर है देन द यूनिट ऑफ लैमडा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्लियर है तो ये होती है हमारी मोलर कंडक्टिविटी कि वो किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराएंगे तो वो आयंस जो हैं वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी एशियन वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन की कंसेंट्रेशन के साथ हमारा कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में कैसा चेंज आ रहा है क्लियर है अब ये कैसे होगा कंसनट्रेशन का क्या मतलब है डिक्रीज इन कंसनट्रेशन कब हो रही होगी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि पहले हमारे पास सिक्स आयन्स वन लीटर में थे फिर हमने क्या लिया था सिक्स आयन टू लीटर्स में दैट मीन्स थ्री आयन पर लीटर मीन्स अगर हमारा डायल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो हमारी कंसनट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है तो या तो आप इसको कंसनट्रेशन की टर्म्स में पढ़िए पूरा या डायल्यूशन की टर्म्स में पढ़िए ठीक है डायलूशन की टर्म्स में आपको ज़्यादा ईजी होगा ठीक है तो डिक्रीज़ इन कंसनट्रेशन और इंक्रीज़ इन डायलूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज़ क्योंकि कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो डायल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है और कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास आयंस होंगे उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी और जितनी कम कंसनट्रेशन होगी या आयंस होंगे उतनी कम हमारी कंडक्टिविटी होगी क्लियर है नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसनट्रेशन मीन्स कंसनट्रेशन डिक्रीज करने से हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है या फिर हम बोल सकते हैं डायल्यूशन इंक्रीज करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है क्लियर है ये कैसे क्या मतलब है मोलर कंडक्टिविटी दैट मीन्स हमारा जो मोल्स uh, होंगे इलेक्ट्रोलाइट के वो वन मोल ही होंगे आयन्स जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट के वो वन मोल ही होंगे बात हम करते हैं वॉल्यूम चेंज की ठीक है जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है लैमडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं लैमडा एम इज इक्वल्स टू के मोल्स अपॉन वॉल्यूम या फिर कप्पा इन वॉल्यूम अपॉन मोल्स मोल्स हमारे वन ही रहने क्योंकि वन मोलर हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी होता है वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ वॉल्यूम ऑफ इन अ सॉल्यूशन क्लियर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस हमारा नीचे वो जो मोल्स है वो वन हो गए तो लैम्डा एम किसके इक्वल हो गया कप्पा इंटू वी मीन्स जितना ज़्यादा हमारा वॉल्यूम होगा उतना हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगा क्लियर है वॉल्यूम इंक्रीजेस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के पास अब ज़्यादा स्पेस होगा ट्रैवल करने के लिए ठीक है तो कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज इन इायलू वो हम बोल सकते हैं डायलूशन क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है डायलूशन इंक्रीज़ होता है और का अपोजिट क्या होता है कंसट्रेशन डिक्रीज़ होना तो ये दो चीज़ें आपको ये हमेशा याद रखने की कंडक्टिविटी जो है वो तो डिक्रीज़ होती है डायल्यूशन इंक्रीज़ कराने से और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है डायल्यूशन इंक्रीज़ कराने से ठीक है मीन्स ये क्लियर हो गया वैन द इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कंसनट्रेशन बढ़ाते ही रहें डैट मीन कंसनट्रेशन ही अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ ही करते रहें तो मतलब हमारी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी ठीक है तो मोलर वैन कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो जीरो का मतलब है या मोलर कंडक्टिविटी इज नॉन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा नॉट एम अब हमने कंसनट्रेशन बिल्कुल जीरो कर ली ज़ीरो का मतलब क्या है कि हमने वॉल्यूम इंफिनिटी पे पहुंचा दिया अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है मतलब आयंस की कंसनट्रेशन उस वॉल्यूम में क्या हो रही है डिक्रीज ये आपको समझ में आ रहा है ना जैसे कि आप ये ले रहे हो सिक्स मोल्स आपने वन लीटर में लिए या सिक्स आयंस आपने वन लीटर में लिए फिर थ्री आयंस पर लीटर हो गया अगर हमें आयंस बढ़ाए फिर वो वन पर लीटर हो गया ठीक है ये तो हमारा हो रहा है कि कंसन्ट्रेसन डिक्रीज हो रही है पर अगर हम डाइल्यूशन के टर्म्स में देखें तो सिक्स हमने पहले वन लीटर में लिए थे फिर हमने वही सिक्स हमने टू लीटर में हो तभी तो थ्री आया फिर वही सिक्स या फिर हम बोल सकते हैं वही सिक्स हमने सिक्स लीटर में तभी तो हमारा वन पर लीटर आया तो ऐसे ऐसे करके अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते रहेंगे तो हमारा पर लीटर या जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कंसनट्रेशन जो है डिक्रीज़ होती रहेगी एक टाइम ऐसा आएगा मान लेंगे कंसनट्रेशन बिल्कुल जीरो हो गई है कैसे मान लो मैंने हंड्रेड वॉल्यूम ले लिया और हंड्रेड वॉल्यूम में अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट बचा है एक ही इलेक्ट्रोलाइट ब... या फिर हंड्रेड वॉल्यूम ले लिया हंड्रेड वॉल्यूम में वही सिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स है और अगर मैंने उसमें से वन इलेक्ट्रोलाइट वन वॉल्यूम निकाला है तो ज़रूरी है इस वन वॉल्यूम में वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा दैट मीन्स हमें नहीं पता कि किस कंसनट्रेशन में हमें वो इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा दैट मीन्स अगर हम वन लीटर लेते तो इसमें हमारे पास जो कंसन्ट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह से ज़ीरो ही है तो यहाँ पे इसलिए आया कि जब कंसनट्रेशन जीरो हो जाती है जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ठीक है अब इसमें क्या होगा इसको हम डिनोटेड करते हैं डिनोटेड बाय लैम्डा नॉट एम ठीक है तो लैम्डा एम विद कंसनट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रो जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्ट्रांग और वीकली डिफरेंट होती है कैसे लेना तो हमें वन मोल इलेक्ट्रोलाइट है अगर हमने वन मोल ऑफ स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो मीन्स उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी बट अगर हमने वन मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो वो उतना ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होगा तो वो भी डिपेंड करता हमारा फैक्टर कि वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है लेमडा एन जो है वो इंक्रीज़ होता है स्लोली विद डायल्यूशन सेम वही हमें पता है कि जो लैमडा एम होता है वो डिक्रीज होता है विद डायल्यूशन क्योंकि जो हमारा लैमडा एम होता है वो इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन वी कर सकते हैं क्योंकि कप्पा इंटू वी कर सकते हैं इंटू वन वन के हमारे वन मोल्स तो लैमडा एम किसके प्रोपोर्शनल है वी इंक्रीज होगा तो लैमडा एम भी इंक्रीज़ होगा हमारा ठीक है और अब हम कंपेयर करते हैं लेमडा नॉट एम से तो जैसे हमने ये ग्राफ बनाया और यहाँ पे हमारे पास लैमडा एम है और यहाँ पे हमारे पास कंसन्ट्रेशन हम अंडर रूट सी में लिख रहे हैं ठीक है तो जितनी अब हमने देखा कि लेमडा एम इंक्रीज़ होता है विद दी डायल्यूशन इंक्रीजेस तो हम देखेंगे लेमडा एम इंक्रीज़ हो रहा है विद दी कंसन्ट्रेशन डिक्रीजेस तो कंसनट्रेशन यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है तो जितनी ज़्यादा कंसन्ट्रेशन होगी उतना लेमडा एम की वैल्यू कम होगी तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं नेगेटिव ग्राफ जिसे बोलते हैं हु? जब लेमडा एम बिल्कुल इससे टच कर जाएगा ये जो पॉइंट होता है हमारा लेमडा नॉट एम होता है मतलब ये लिमिटिंग पॉइंट हो गया इसके बाद अब कुछ नहीं होगा ठीक है अब जो हमारी कंसनट्रेशन है बिल्कुल जीरो हो चुकी है तो जब अगर इस हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें ये स्टेट लाइन बन रही है स्टेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है वाई इज इक्ल्स टू लिख सकते हैं हम सी प्लस एम एक्स क्लियर है वाई एक्सिस पे कौन है हमारा लैमडा एम इज इक्वल्स टू सी क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट दैट इज़ लेमडा नॉट एम इसमें जो एम है स्लोप स्लोप को हमने माना है ए को भी हम दिखाएंगे क्या होता है और एक्स क्या है हमारे पास एक्स है हमारे पास अंडर रूट सी या फिर हम बोल सकते हैं सी हाफ तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्लियर है तो ये इस तरह से हमारे स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला बुलाए विद ए स्टेट लाइन ग्राफ स्टेट लाइन ग्राफ में हमारे पास नेगेटिव यहाँ पे ए के बाद ये नेगेटिव नहीं है क्लियर है ये ए सी हाफ़ है बस ठीक है यहाँ पे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो नेगेटिव है ये ग्राफ पॉजिटिव होता है एंड दिस ग्राफ इज नेगेटिव ठीक है अब हमारे पास जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे डिफाइन करें वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते जैसे कि हम ये एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं एग्जाम्पल हमने एसिटिक एसिड का ले लिया सी एस थ्री सी ओ एच दिस विल गिव सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव क्लियर है तो हम इसमें लगाते हैं कि अगर इसकी कंसेंट्रेशन सी है और स्टार्टिंग में इसने जीरो जीरो डिसोसिएशन किया है फिर हम क्या मानते हैं सी में से कितना कम हो गया सी अल्फा सी क्या होता है ये अल्फा क्या होता है एक तरह से मान लो ये टू परसेंट डिसोसिएट होता है तो इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी थी सी सी में से कितना डिसोसिएट हुआ टू परसेंट तो जितना डिसोसिएट हुआ है उसमें से इनिशियल से माइनस कर देंगे तो सी अल्फा तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा सी अल्फा सी अल्फा क्लियर है तो जो हमारे पास यहाँ पे डिसोसिएशन uh, कॉन्सटेंट निकलेगा के वो क्या आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना है हमारे पास सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन में सी सी कॉमन आ गया वन माइनस एल्फा तो सी से एक सी कैंसिल आउट हो तो गया कितना आ गया सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा क्लियर है ये हमारा क्या आ गया डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ठीक है और एल्फा का जो वैल्यू होता है मीन्स ये एल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो इसमें हमारे डिसोसिएशन का फॉर्मूला आता है वो हमारा आता है एल्फा इज इक्वल्स टू लेमडा एम अपॉन लैमडा नॉट एम इसमें लेमडा एम क्या है हमारे पास लेमडा एम है हमारे पास मूलर कंडक्टिविटी या मूलर कंडक्टेंस अपॉन में लैमडा नॉट एम के लिमिटिंग लिमिटिंग मूलर कंडक्टिविटी या फिर जिसे हम बोल सकते हैं जब हमारी कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है जीरो क्लियर है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है पार्ट सेकंड पार्ट में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे क्लियर है थैंक यू सो मच